अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर कम वक्त में बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाले एक्टर विकी कौशल आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। तमाम बॉलीवुड एक्टर्स की तरह विकी भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आज वो जिस मुकाम पर हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि शुरुआती दिनों में विकी कौशल अपने परिवार के साथ मुंबई की एक चौल में रहा करते थे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मुंबई में वो अपने परिवार के साथ एक चौल में रहा करते थे। उस टाइम उनके पिता एक स्टंटमैन थे। विकी को बचपन से ही डांसिंग और एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि विकी एक ट्रेन्ड डांसर भी है। एक्टर बनने से पहले विकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। विकी पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हैं। साल 2009 में उन्होंने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। विकी कौशल ने एक्टिंग के लिए ठुकरा दी थी नौकरी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद विकी को नौकरी के कई ऑफर आए, लेकिन उन्होंने नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए उन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया। इसके बाद विकी ने किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और वहीं से एक्टिंग सीखी। विकी की किस्मत उस वक्त बदल गई जब उन्होंने मसान से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए विकी को बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला। विकी ने पहली ही फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि वो सबके दिलो दिमाग में बस गए। मसान के बाद विकी ने एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विकी कौशल ने संजू और राजी दो हिट फिल्में दी हैं। संजू के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला है। हालांकि 2019 में बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों ने उरी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विकी ने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर दर्शकों के मन में एक अलग छवि बनाई। साल 2015 में मसान में एक सीधे साधे लड़के की एक्टिंग करने वाले विकी ने उरी फिल्म में सेना के इम्पोर्टेंट ऑपरेशन को लीड कर लोगों के दिलों पर खास छाप छोड़ी। आलम ऐसा था कि फिल्म का डायलॉग हाउस द जोश हाय सर तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया था। इसके बाद विकी कौशल फिल्म भूत द हॉन्टेड शिप में लोगों को डराते नजर आए। ऐसा नहीं है कि विकी कौशल का नाम ही सफलता की गारंटी हो और उनकी हर फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई हो। उनकी कई फिल्मों को दर्शकों ने नकार भी दिया था। उनकी फिल्म लव पर स्क्वायर फिट, जुबान, रमन राघव 2.0 ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर एक बॉलीवुड की फिल्म है जो शायद ही किसी ने ना देखी हो, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस फिल्म में विकी कौशल ने अनुराग कश्यप के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। खैर, ये तो रही विकी के करियर की बात। इसके अलावा हम आपको बता दें कि विकी खाने और घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके फेवरेट एक्टर हैं। विकी कौशल फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। अगर आप विकी के बड़े वाले फैन हैं तो आपका दिल भी करता होगा ये जानने का कि मिस्टर फिटनेस को क्या पसंद है, तो हमारे पास आपके इस सवाल का भी जवाब है। दरअसल विकी को आलू के पराठे, रबड़ी के साथ जलेबी, चिकन और फिश टिक्का, पानी पूरी और चाइनीज पसंद है। साथ ही कोल्ड कॉफी और बियर भी उन्हें बेहद पसंद है। चलिए बात करते हैं विकी कौशल की लव लाइफ के बारे में। अब मुंडा इतना दमदार है तो किसी ना किसी का दिल तो आया ही होगा। सबसे पहले विकी कौशल ने एक्ट्रेस हरलीन सेठी को डेट किया था, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। साथ ही आपको बता दें कि विकी ने खुद कॉफी विद करण में ब्रेकअप होने से पहले एक्सेप्ट किया था कि वो हरलीन के साथ रिलेशन में है। विकी कौशल का नाम कैटरीना के साथ भी जोड़ा गया था क्योंकि कई जगह दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता था। अब इन दोनों के अफेयर में कितनी सच्चाई है ये तो विकी और कैटरीना ही जाने। फिलहाल हमारी तरफ से विकी कौशल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।